नमस्कार, किरण माहेश्वरी कुकिंग एक्सपर्ट .com में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ केक चॉकलेट बार की रेसिपी। ये बच्चों की फेवरेट रेसिपी है। केक चॉकलेट बार बनाने के लिए सबसे पहले आप 5 ओरियो बिस्किट ले लें। ये 10-10 वाले और आते हैं ना ओरियो बिस्किट, वो मैंने 5 पैकेट लिए हैं। इन्हें आप खोल लें। सारे बिस्किट्स को आप प्लेट में निकाल लें। मैंने सारे बिस्किट्स को खोल लिया है। अब आप इसके टुकड़े कर लें। सारे बिस्किट्स के टुकड़े कर दें। मैंने सारे बिस्किट्स के टुकड़े कर लिए हैं। ग्राइंडर जार ले लें, उसमें ये टुकड़े डालें, आधे आधे डालें, एक साथ पूरा नहीं आएगा। अब बिस्किट्स का फाइन चूरा कर लें। मैंने सारे बिस्किट्स का फाइन चूरा कर लिया है। आप एक बार हाथ से चेक कर लें, इसमें कोई मोटा टुकड़ा है तो उसे निकाल दें। अब इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दें। मैं इसमें 1 चम्मच चॉकलेट एसेंस डाल रही हूँ, आप वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। मैंने 1 कप दूध लिया है, आप इसमें थोड़ा थोड़ा डालें और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं। एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। बैटर को आप ज्यादा पतला ना करें, ये थोड़ा सा दूध बच गया है। अब जिसमें भी आप केक बनाना चाहते हैं उसे प्रीहीट होने के लिए रखते हैं 8 से 10 मिनट के लिए। आज मैं आपको पार्टी के ओवन में केक बनाना बताऊंगी। मैंने इसको 8 से 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रखा है। अब आप एक इनो का पाउच ले लें, लेमन वाला आता है ना वो वाला लें, और ये इसमें डाल दें। इस पे हल्का सा दूध डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब कोई भी केक टिन ले लें जिसमें आप केक बनाना चाहते हैं, उसमें बटर पेपर लगा लें, हल्का सा ऑयल डालें और इसे अच्छे से ग्रीस कर लें। अब तैयार बैटर को आप इसमें डाल दें। अब इसे 1 से 2 बार अच्छे से टैप कर दें ताकि इसमें कोई भी एयर बबल हो तो निकल जाए। बाटी का ओवन भी प्रीहीट हो चुका है। अब आप इसमें केक टिन को रख दें और इसे कवर कर दें। 20 से 25 मिनट के लिए आप इसे बनने दें। आज को आप लो टू मीडियम रखें। केक को बनते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ। आप कोई भी टूथपिक या नाइफ ले लें और इसके सेंटर में डालें। देखिए बिल्कुल क्लीन आ रहा है, इसका मतलब ये बन चुका है। अब आप इसे बाहर निकाल लें और इसे पूरी तरह से ठंडा होने दें। केक अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको डीमोल्ड करके बताती हूँ। मैं इसे बोर्ड पे ही डीमोल्ड कर रही हूँ। आप इसे पलट दें, बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। अब इसका बटर पेपर हटा दें। केक चॉकलेट बार बनाने के लिए अब मैं इसे पीसेस में कट कर रही हूँ। छोटे छोटे पीसेस में इसे कट करना, पूरे केक पे आप कट लगा दें। मैंने सारे केक को टुकड़ों में कट कर लिया। मैं आपको दिखाती हूँ, इसे छोटे छोटे पीसेस में कट किया है मैंने, आप देख सकते हैं। मैंने सारे पीसेस को प्लेट में ले लिया है। अब हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। मैंने मिल्क कंपाउंड लिया है, मिल्क चॉकलेट लिए मैंने, आप डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। मैं इसे माइक्रोवेव में मेल्ट करूंगी, इसलिए बाउल में ले रही हूँ। अगर आप डबल बॉयलर से मेल्ट करते हैं तो इसके बारीक टुकड़े करके फिर करें। पहले इसे आप 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में घुमाएं। मैंने चॉकलेट को 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया है। अब आप इसे एक बार अच्छे से हिला लें। कभी भी आप चॉकलेट को एक साथ मेल्ट करने के लिए ना लगाएं, 30-30 सेकंड के गैप में इसे मेल्ट करें और बीच में चलाते रहें। अगर आप एक साथ इसे ज्यादा देर तक चलाएंगे तो चॉकलेट जल जाती है। मैं फिर से इसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर रही हूँ। मैंने फिर से इसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया है। आप देख सकते हैं चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब आप काजू के बिल्कुल बारीक पीसेस कर लें, बारीक टुकड़े करें एकदम। आप इसकी जगह बादाम के भी कर सकते हैं। मैं चॉकलेट में 1 से 1.5 चम्मच बारीक टुकड़े डाल रही हूँ काजू के। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब आप कोई भी ट्रे या थाली में बटर पेपर लगा लें जिसमें चॉकलेट बार रखना चाहते हैं। अब आप एक केक का पीस लें और इसमें अच्छे से कोट कर दें, पूरी चॉकलेट से अच्छे से कोट कर दें इसे। अब इसे फोक से निकाल लें, एक्स्ट्रा चॉकलेट को आप हटा दें। बटर पेपर वाली ट्रे में इसे रख दें
इसी तरह आप केक चॉकलेट बार तैयार करें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने सारे केक चॉकलेट बार तैयार कर लिए हैं। अब आप इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखें। इसके बाद में अभी कुछ डेकोरेशन बाकी है, वो मैं आपको बताऊंगी। केक चॉकलेट बार अच्छे से सेट हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एकदम परफेक्टली सेट हो चुकी है। इन्हें आप दूसरी प्लेट में अरेंज कर लें। मैंने सारे केक चॉकलेट बार को एक प्लेट में अरेंज कर लिया है। अब आप मेल्टेड चॉकलेट ले लें, मैंने मिल्क चॉकलेट ही लिया है, इसे कोन में भरा है, इसके ऊपर डिजर्ट कर दें। बहुत ही स्वादिष्ट केक बार बनते हैं, आप एक बार जरूर ट्राई करें।